यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और राज्य सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को खोल दिया गया है। महीनों बाद कॉलेज खुलने से जहां छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, वहीं ज्यादातर छात्र कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करते दिखे। रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तमाम दुश्वारियों के बीच आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल गए। कोरोना संक्रमण की वजह से शिक्षण संस्थान पिछले 8 महीने से बंद थे। कॉलेज खुले तो ज्यादातर छात्र मास्क के साथ दिखे, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई में जो दिक्कतें आ रही थी अब वो खत्म हो गई हैं। आज 8 महीने बाद कॉलेज खुला है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम फर्स्ट टाइम जब कॉलेज आए थे, तो उस तरह के एक्साइटमेंट है और सबसे मिलकर कॉलेज आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हम घर पे थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये थी कि जिसके पास फ़ोन होता था पर्सनल अपना, वो अपना स्टडी कर लेता था ऑनलाइन। लेकिन जिसके पास अपना पर्सनल फ़ोन नहीं होता था वो मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करता था, जब तक उसको फ़ोन मिलता था तब तक वो कर लेता था। मेरे पास पर्सनल मेरा फ़ोन नहीं है, मेरे पापा का है, तो वो जब समय पे घर पे आते थे तब मैं कर पाती थी, जिससे मेरा तो ना तो कोर्स कम्प्लीट हो पाता था और ना ही तो मैं पढ़ पाती थी। सर, इससे पहले बहुत दिक्कत होती थी, पढ़ाई अच्छे से हो पाती नहीं थी और भी मैम पढ़ाती थी भेजती थी, सब समझ में नहीं आता था। कॉलेज आने से सर अच्छा लगता है पढ़ने में और समझ में भी आता है। इधर कोरोना संकट के बीच सीएम योगी ने अधिकारियों की तारीफ भी की है। सीएम ने कहा कि कोरोना संकट के बीच प्रदेश ने टीम वर्क की तरफ काम किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी यूपी के काम का लोहा माना है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पूरी टीम ने, शासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक टीम ने, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हमारे जितने भी अधिकारी हैं, चिकित्सक गण हैं, पैरामेडिक्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, इन सब ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इन चुनौतियों को अवसर में बदलने और चुनौती का धैर्य से मुकाबला करने के साथ ही आज जो हमारे साथ चुनौती थी अगले ही क्षण उसका समाधान का मार्ग निकाल करके एक बेहतरीन दिशा में प्रदर्शन करते हुए देश के अंदर दुनिया के सामने कुछ बेहतरीन मिसालें भी प्रस्तुत की हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को लेकर के मुक्त कंठ से प्रशंसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। भले ही कोरोना वैक्सीन को लेकर देश और दुनिया भर में ट्रायल चल रहा हो, लेकिन सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैक्सीन आते ही दिसंबर तक पूरे प्रदेश में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पीएम मोदी एक बार फिर एक्शन में हैं। पीएम मंगलवार यानी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सुबह 10 बजे उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जहां कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।